कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ते मामले को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि पूरे देश भर में 18 साल से ऊपर को वैक्सीन देने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में यह सुविधा वैक्सीन की कमी के कारण नहीं हो पाई। रेड क्रॉस सोसाइटी के इंचार्ज संतोष कुमार ने यह जानकारी दी कि 17 मई से 18 साल से ऊपर लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा सकती है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हुए लोगों ने बताया कि वैक्सीन इस महामारी से लड़ने का एकमात्र सुरक्षा कवच है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन अगर पूरा देश लेगा तभी हम इस वायरस महामारी से बचने में सफल हो पाएंगे। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। 2 प्रकार के वैक्सीन अभी उपलब्ध है भारत में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही का ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। बेहिचक वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने से ये आपको फ़ायदा है कि अगर आप कोरोना हो भी जाता है तो ये जानलेवा नहीं साबित होगा। पूरे भारत में 1 तारीख से ये प्रारंभ हुआ है, जहाँ भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 18 तक के युवा हैं वो टीकाकरण करा लें कोविड का। यहाँ थोड़ा विलम्ब हुआ है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण लें, जो संक्रमण का भय और स्थिति तैयार हुआ है इस सबसे निकटने का, और कौच मात्र केवल टीका अभी तक लेना चाहिए सबको, और लेंगी तो सेफ रहेंगे, इसलिए जागरूक ग्राहक वाले बात हो गया। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, हर किसी को अपने बारी आने पे वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, तो वैक्सीन लीजिए, ये आपके लिए और बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी है। सभी को जाके वैक्सीन लेना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को आगे आके इसको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट के द्वारा फ्री स्कीम है जो सबको यूज़ करना चाहिए, ताकि आप लोग भी इस डिजीज से बाहर आ सकें। कि वैक्सीन इज अ वेरी सेफ एंड वी मस्ट हैव टू टेक इट, बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना। इफ यू वांट टू सेव फ्रॉम द कोरोना यू मस्ट हैव टू टेक वैक्सीन। 18 से प्लस एज वाले, ब्लू 45 वाले लोग, रोज लगभग 20-25 लोग आकर के लौट जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई आदेश आया नहीं है, इसलिए हम लोग उनको वैक्सीनेट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी उसका आदेश आने वाला है, तो फिर उन लोगों को भी कर दिया जाएगा। एक शंकाएँ होती है कोवैक्सीन कोविशील्ड, उसको लेकर क्या? कोवैक्सीन कोविशील्ड में कोई शंका वाली बात नहीं है, दोनों ही पूरी तरह से सुरक्षित है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICMR ने इनको अप्रूव कर दिया है, और बेहिचक लोग इसको लगवा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लोग फिर भी बचते हैं, शंकाएँ हैं, उन शंकाओं को दूर करने के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि हमेशा स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन जारी हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग भी अपना गाइडलाइन जारी कर रही है समय समय पर, इसलिए पूरी तरह से वैक्सीनेशन सुरक्षित है, लोग आएँ और अपना वैक्सीनेशन करवाएँ। अभी चूँकि 45 प्लस वाले को हो रहा है, उसके बाद 18 प्लस वाले का स्टार्ट होगा, तो फिर लोग आएँ और आकर के वैक्सीनेशन करवाएँ। सर 18 साल से जैसा अभी तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे एक्सपेक्टेड है कि 17th के बाद शुरू होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन हो रहा है? हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और भीड़ बढ़ती है तो सर क्या कुछ तैयारियां विशेष की जाएगी भीड़ अगर बढ़ती है? हाँ, अगर भीड़ बढ़ती है तो हमारे पास जो कि डोज बहुत सफिशियंट होता है, और हमारे पास हर तरह का सुविधा है उनका, मतलब कतार बंद करके देने का, उनको नंबर इशू करने का, जो सवेरे हम लोग नंबर लॉट कर देते हैं ताकि बारी बारी से लोग आएँ, और हमेशा टाइम टाइम अपील करते रहते हैं कि लोग कोविड-19 जो का गाइडलाइन का पालन करते हुए डिस्टेंस को मेंटेन करें और अपना सुरक्षित तरीके से टीका लगवाएं और घर जाएं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।